जनाब, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये मुआ कोरोना इस साल भी आ जाएगा। अब पब्लिक भी इससे परेशान, तो हमारे सियासी रहनुमा भी। पब्लिक दर्द से परेशान, तो सरकार इसी पसोपेश में कि आखिर इस दर्द से कैसे छुटकारा मिले। दवाइयां, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और दूसरे तमाम मददगार चीजों के लिए हमारी सरकार इनसे लड़ रही है। परेशानियां काफी है, लेकिन परेशानियां केवल कोरोना की ही नहीं, बल्कि राजस्थान की सियासत में तो एक परेशानी और है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से इन साहब और इनकी टीम के लोगों को इंतजार था कि उन्हें भी कभी तो कोई कुर्सी मिलेगी, यानी कहानी राजनीतिक नियुक्तियों की। लेकिन जनाब, फिलहाल तो राजस्थान में कोरोना की चपेट में आकर ये राजनीतिक नियुक्तियां भी क्वारंटाइन हो गई है। उम्मीदें धाराशायी हो गई हैं। आखिर कोरोना ने कैसे कहर बरपाया, पब्लिक भी परेशान और हमारे कुछ नेता भी। आपको बता दें कि पिछले साल जब कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू किया था, तो उस वक्त भी राजस्थान के कई माननीय रुसवा हो गए थे, कोप भवन में जा बैठे थे। लाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन जब तक खुद ने नहीं चाहा, लौटे नहीं, और जब तक वापस लौटे तो बारात निबट चुकी थी। सब वक्त का तकाजा है, वक्त बदल जाता है, यादें रह जाती हैं। अब किससे कब और क्यों पंगा लेना चाहिए, सियासत में ये पाठ भी याद रखना चाहिए। पहले दिल टूटे, नजरें चुराई गई, लेकिन लौटे तो हंसना भी पड़ा। लेकिन जनाब, दिल जानता है कि आखिर क्या क्या सितम सहे गए। दरअसल पिछले कुछ वक्त से प्रदेश के कुछ खाली बैठे रहनुमाओं को इंतजार था कि उन्हें मंत्री की कुर्सी नहीं तो कम से कम किसी दूसरी पर तो बिठाया जाएगा। लेकिन क्या करें, ये कोरोना ने मामला गड़बड़ कर दिया। मुखिया जी कोरोना को भगाने में जुटे हैं, पब्लिक के हाल जान रहे हैं, लेकिन करें तो क्या, कुर्सी वालों को कुर्सी की चाहत, फर्क क्या पड़ता है। कोरोना तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे ये जनाब कुछ कड़क हैं, अनुभवी भी हैं। वाकई शायद सोच भी रहे होंगे कि अगर कोरोना नहीं होता तो क्या होता। खाली बैठे नेताओं को कुर्सी देनी होती, लेकिन अब ये कर भी क्या सकते हैं, सोच शायद यही। वहीं दूसरी ओर अगर सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए, तो पिछले साल जो 2020 इन्होंने खेला था, प्लानिंग तो इस बार भी थी, लेकिन पानी फिर गया इस वायरस की वजह से। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर अब भी इस बाड़े की बात ना मानी गई या तवज्जो ना दी गई, तो रायता ढोलने की कोशिशें होंगी। हालांकि अभी तो सोच यही कि अगर इस वक्त कुछ ऐसा होगा तो जनता भी नाराज हो सकती है, इसलिए भी शायद चुप्पी साधी हुई है। बहरहाल अब बस इंतजार है कोरोना से विदाई का। जैसे ही इसकी विदाई हुई, तो यकीन मानिए कि राजस्थान की सियासत में भी भागम भाग का वायरस जोर पकड़ सकता है, और फिर तस्वीरें कैसी होंगी वो देखना वाकई दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।